दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भीम आर्मी ने जब धरना प्रदर्शन किया तो यहाँ पे 144 धारा लगाकर यहाँ पूरा छावनी बना दिया और यहाँ बहुत तादाद के अंदर फोर्स है। और हमारे बीच में जो युवाओं को आवाज उठाने वाले और बहुजन समाज के दर्द को समझने वाले हमारे युवा साथी हैं हमारे बीच में हिमांशु जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो आज जो प्रकरण चल रहा है इसका क्या तात्पर्य है। हिमांशु जी, आज जो प्रकरण है जो दलित समाज की बहुजन समाज की जो आवाज उठाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा, क्या प्रकरण है ये? देखिए, इस बात में हमें एक चीज समझनी पड़ेगी बहुत जरूरी चीज पे कि अगर आप भीम आर्मी को जिस तरीके से देख रहे हैं, बेसिकली ये अभी एक बहुत भयानक तरीके से एक राजनीति हो रही है। जिस राजनीति को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि सरकार अपने छोटे से वोट बैंक के लिए या छोटे से अपनी सत्ता पाने के लिए सरकार समाज को दो तरीकों में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट ये चीज ये लोग कर रहे हैं कि जिस तरीके से समाज एक आर्मी के अगेंस्ट में एक आर्मी इकट्ठा कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, आप बजरंग दल लीजिए, आप विश्व हिंदू परिषद लीजिए, आप चाहे अभी पद्मावती मूवी की वजह से जो करनी सेना के सामने हो रहा है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि समाज सरकार अपने सिर्फ एक राजपूत वोट बैंक के लिए उन्होंने क्या किया है कि करनी सेना को एक बड़े तौर पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ में। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब वहाँ पे करनी सेना को आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि करनी सेना राजपूतों के मान और सम्मान के लिए खड़ी हो रही है, तो वहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लोग ये कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण का नाक काटेंगे तो हम 1 करोड़ देंगे, दीपिका पादुकोण का सिर काट देंगे तो हम 10 करोड़ देंगे, वो राष्ट्रद्रोह नहीं है, ठीक है। पर अगर सहारनपुर में एक कुछ लोग मिलके भीम आर्मी के नाम पे दलितों पे हो रहे अत्याचार के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं तो उन पे राष्ट्रद्रोह है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रद्रोह का मतलब क्या है? राष्ट्रद्रोह का मतलब ये हो गया कि आप किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, आप किस धर्म से करते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप एक बहुजन समाज से हैं तो आप इस तरीके की कोई भी बात करेंगे आप उसको वो रख सकते हैं, आप उसको देशद्रोह का केस लगा देंगे। पर वहीं पे अगर कोई अपर कास्ट की बात करता है, जैसे राजपूत की बात करता है या राजपूत स्त्री की बात कर रहा है, तो उसके लिए वो मतलब कि वहाँ पे राष्ट्रद्रोह नहीं है, वो देश प्रेम है। ये सरकार बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक है ना, एक आर्मी के अगेंस्ट में, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में एक सोशल आर्मी खड़ी करी है, कास्टिज्म की आर्मी खड़ी करी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने रोहतक में देखा। रोहतक में जब आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ, जाटों ने आंदोलन किया, जाटों के लोगों ने अपनी मतलब अपनी बातें रखी और उसके पीछे उन्होंने हिंसा का साथ लिया। अब सोचने की एक बात है कि आपने एक कास्ट के बेसिस पे एक पूरी एक अन ऑथराइज्ड और अनलीगल एक आपने मतलब एक आर्मी आपने तैयार करी जिसने पूरे रोहतक को जलाया, ठीक है, और 12 दिन तक पूरा रोहतक उस तरीके से बुरी तरीके से जला, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में आपने जब उनको सपोर्ट करने की बात है, जब उनको वो मूवमेंट ख़त्म करने की बात, तो आपने जाट रेजिमेंट वहाँ पे भेजी, तो जो लोग ऑलरेडी जाट हैं उन्हीं को अरेस्ट करने के लिए आपने जाट भेजा, रेजिमेंट भेजी। तो ये देखिए कि सोशल किस तरह से इंडियन आर्मी फेल करी, आपने पूरी की पूरी आर्मी को फेल किया, इंडियन आर्मी को फेल किया, और आपने एक सोशल कास्टिज्म की बेसिस पे इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड आप चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। उसी तरीके से सोचे कि इस तरीके से अगर समाज में हर समाज अपनी अपनी एक करें, ब्राह्मण परशुराम सेना तैयार कर रहे हैं, आपका राजपूत करनी सेना कर रहे हैं, आप उसके बाद में जो ठाकुर हैं उन्होंने इसको हिंदुवानी सेना जिन्होंने अपनी करी है, आप समझिए कि आप हर कास्ट के बेसिस पे एक एक कर रहे हैं। अगर यही करना है तो पाकिस्तान में जो बैठे बैठे अलग अलग लोग कास्ट या ट्राइब से बलूच जो आर्मी है या फिर जो पश्तून आर्मी है या इस तरीके से, आप एक्चुअली में क्या करिए, सरकार अपने छोटे से वोट बैंक फायदे के लिए आप इंडिया को सिविल वॉर में खड़ा कर रहे हैं, आप इस देश को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप गृह युद्ध की तरफ भेज रहे हैं, और वो गृह युद्ध जिसका कि कोई अंत नहीं है। आप एक बात समझने की कोशिश करें, हम अगर इतिहास की बात करें तो विक्रमादित्य के समय पे यही भारत, यही देश ईरान से स्टार्ट होता था, ईरान से जॉर्डन से तक लेकर आपका सिंगापुर तक का राज्य जो था वो हमारा राज्य था, यही भारत था विक्रमादित्य के समय पे। पर जब जब यहाँ के राजाओं ने, जब जब यहाँ के नेताओं ने किसी भी धर्म को जब सरप्रेस करने की कोशिश करा, ठीक है, तो ये देश डिवाइड होने लगा। हम ही से ईरान निकला, हम ही से इराक निकला, हम ही से अफगानिस्तान निकला, हम ही से पाकिस्तान, हम ही से इंडिया, हम ही से तिब्बत, हम ही से नेपाल, हम ही से बांग्लादेश, हम ही से श्रीलंका, हम ही से म्यांमार, हम ही से बर्मा, सब हम ही से निकले। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की जो मानसिकता है, अगर जो कल पाकिस्तान में हो रहा था, कल अफगानिस्तान में था, वही तो आज हिंदुस्तान में हो रहा है।
तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि करके, और आप इस बात को मानेंगे कहीं ना कहीं इंडिया अगर सिविल वॉर में जाएगा तो आज पर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे रिसर्च के हिसाब से इंडिया में आने वाले समय पे लगभग 75 से 78 करोड़ लोग मर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले देश में इस देश के 8 नए टुकड़े होंगे, जिसमें हिंदुस्तान के मे भी हो सकता है कि 8 नए देशों में ये डिवाइड होगा, जिसमें कि खालिस्तान एक होगा, जिसमें राजपूताना एक होगा, जिसमें मराठवाड़ा एक होगा, जिसमें तमिल एक होगा, उसके बाद में केरला अलग से स्टेट बन सकता है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली एक बन सकता है, आप महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात में भी एक अलग स्टेट में कन्वर्ट हो सके। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम अपने छोटे से हम अवध वाले एरिया को भी एक नए राष्ट्र के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। सरकार अपने छोटे बेनिफिट्स के लिए इस देश को एक अजीब सी सिविल वॉर की तरफ कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस बात को दिखा सकें तो ये दिखाइए कि गवर्नमेंट को इन तरीके की चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, कम्प्लीटली रोक लगानी चाहिए। लोगों को अगर उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो लोग रिपल्सिव होंगे, ये एक लाजमी सी बात है। अगर सरकार, अगर जुडिशियल, अगर हमारी गवर्नमेंट अगर लोगों के राइट्स दे सकती है तो लोगों को ना भीम आर्मी की जरूरत है, ना उनको करनी सेना की जरूरत है, ना किसी की जरूरत नहीं है। लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया दिवाली पे कि दिल्ली में पटाखे नहीं चलेंगे, लोगों ने, हर आदमी ने मतलब पटाखे फोड़े और उसको अपने फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे लाइव किया। इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही, जो अभी बारीक लेवल पे, छोटे लेवल पे हो रही है, ये आने वाले समय पे एक बहुत बड़े लेवल की तरफ से आप कर रहे हैं। आप देश को, सरकार को, जमीन को, हर जगह गाँव देहात को, हर तरह से आप तोड़ रहे हैं। और ये चीज़ एक बहुत अंडरस्टैंड करनी चाहिए, इसके लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो रही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक हम आज से थोड़ा हिस्ट्री में पहले जाएं, इंदिरा गांधी की हम लोग बात करते हैं। अगर इंदिरा गांधी ने अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं किया होता तो आज ये सब हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि पंजाब खालिस्तान की एक अलग से स्टेट कंट्री बन चुका होता। यही पर इंदिरा गांधी को हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने क्या, इंदिरा गांधी ने अपने उस देश को बचाने के लिए, उन्होंने एट फाइनली 84 में उनको गोली मारी गई, पर वो उन्होंने इस देश को, खालिस्तान को, मूवमेंट को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने इस देश को अलग से नहीं होने दिया। पर ये सरकार क्या कर रही है कि ये छोटे छोटे अपने 5 साल की, 2 साल की, 4 साल की राजनीति के लिए ये लोग इस पूरी कंट्री को तोड़ रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत एक ज़बरदस्त है। इंडिया जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से ये लोग है ना राम मंदिर के नाम पे किसी तरीके से कर रहे हैं, और ये चीज़ों को आप रिपल्सिव देख रहे हैं। अभी जो अभी यूपी में घटना घटी, जिसमें एक मतलब एक वाल्मीकि लेडी का सिर्फ एक ठाकुर की वाइफ के साथ में, उसकी पत्नी के साथ में, उसके सिर्फ साड़ी को, उसकी थाली टच हो गई, उसको जान से मार दिया गया। अभी महाराष्ट्र में एक वीडियो आया है जिसमें एक बच्चे ने गणेश पूजा से पहले उनके मतलब प्रसाद को टच कर दिया तो उसको पूरा मारा गया है। इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, ये एक सोशल ब्लास्ट के तौर पे देखना चाहिए हमें। अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो आने वाले समय में इंडिया 100% सिविल वॉर के लिए तैयार होना चाहिए। जी सर, थैंक यू।